और यूपीएससी ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपने द हिंदू पढ़ना है, यूपीएससी ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यूपीएससी ने सिलेबस दे दिया है, करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। मैं कुछ सोर्सेस बताता हूं, आप उसे एक बार ट्राई करना। मैं 99% अपनी तरफ से रिटर्न में आपको दे सकता हूं कि अगर एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर से आ जाए तो आप मुझे ब्लेम करें, जहां भी मैं हूं। इस बार का पेपर, इसके पहले का पेपर आप उन सोर्सेस से जाके मिलाएं, अगर नहीं मैच कर जाए टू द पॉइंट तो आप मुझे बताएं। यूपीएससी सच में एक मीथ बन गया है, अभी मीथ है, होवा बना दिया है लोगों ने। प्रीलिम्स इसका बहुत आसान हो गया है, पहले मेहनत किया जाता था प्रीलिम्स के पेपर सेट करने में, अभी मेहनत नहीं किया जा रहा। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एबीसी, और वो किसी मैगजीन ने, किसी पेपर ने सेम एबीसी, डिजिट तक चेंज नहीं किया यूपीएससी ने। वो ना तो आपको द हिंदू में मिलेगा, ना इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, और ना ही किसी इंस्टीट्यूट के, जो आप दृष्टि कह रहे या कोई और कह रहे, इनके मैगजीन में मिलेगा। बिकॉज वो वही दिखाएंगे पेपर में हो चुका है। टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इस बार एक क्वेश्चन था नाइजर सीड पे, नाइजर सीड, नाइजर सीड मेनली इंडिया में कंसर्न है एडिबल ऑयल से, खाने के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है, ये हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, एडिबल ऑयल। 2022 में उसने पाम ऑयल से पूछा था, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इस बार उसने नाइजर ऑयल से पूछा, नाइजर सीड से। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तीन ऑप्शंस दे दिए कि नाइजर सीड खरीफ क्रॉप है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वॉज कि नाइजर सीड खरीफ क्रॉप है। सेकेंड ऑप्शन वॉज कि गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है इस पे। आपको पता होगा कि जो खरीफ क्रॉप है, 14 क्रॉप खरीफ क्रॉप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट कमेटी, सीईए, उसके एमएसपी को डिसाइड करती है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि कुछ ट्राइबल्स आज भी नाइजर सीड का रॉ यूज करते हैं अपने घर में खाने पीने में, और ये तीनों सही है। ये तीनों ना तो पूरे साल कहीं द हिंदू में आया, ना इंडियन एक्सप्रेस में आया, किस में आया, एक मैगजीन है करेंट अफेयर के लिए, इसका नाम है डाउन टू अर्थ, डीटी। हर साल, क्योंकि आईएफएस का पेपर पहले अलग होता था, अभी फॉरेस्ट वाला भी इसी में प्रीलिम्स साथ में लेते हैं ये, तो एक सर्टेन पोर्शन प्रीलिम्स का इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, इन सब से अटैच्ड होता है, राइट? बिकॉज फॉरेस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्री के लिए तो यहीं से हो रहा है, मेंस उनका अलग होता है। तो आप देखेंगे कि 20% क्वेश्चन सब डायरेक्ट क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ज्योग्राफी से रिलेटेड आ रहे हैं। इस बार और ज्यादा थे, बट मिनिमम 15-20% आउट ऑफ 100 में से इतने क्वेश्चन होते हैं। इसका सबसे अच्छा सोर्स है डीटी, ये भाई मंथली आता है। इसमें सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पॉलिटिकल कमेंट रहेगा, वो जरूरत नहीं है, लेकिन यूपीएससी के पास इससे बेहतर कोई सोर्स ही नहीं है। आप सारे क्वेश्चन इसे मैच पाएंगे। यही नहीं, ये केवल नहीं, एक और क्वेश्चन है कम्युनिटी रिजर्व। सेम ऑप्शन यूपीएससी ने इनके ऑप्शंस क्वेश्चंस दोनों यहां से कॉपी किए, इसके इशू से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर यू कि आपका प्रीलिम्स ऐसे नहीं लटका रह जाए कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। आप ये पढ़ो करेंट अफेयर के लिए, और करेंट अफेयर अगर आपका हो गया तो आपको स्टैटिक में 4-5 क्वेश्चन कर दो, हो जाएगा आपका प्रीलिम्स। करेंट अफेयर दिस डेज आर बीइंग आस्क्ड मोर देन 14 नंबर। स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि अरे नाइजर सीड करेंट अफेयर कैसे हो सकता है, ये तो एडिबल ऑयल है, करेंट अफेयर है, डाउन टू अर्थ ने अपने इशू में, नहीं तो कैसे, हमें कैसे सपना आएगा एज एस्पिरेंट कि इस बार नाइजर सीड पढ़ के जाओ कि सनफ्लावर पढ़ के जाओ। ना तो हमें सपने में आएगा, ना तो यूपीएससी को ड्रीम में आएगा कि ये चीज पढ़ना है कि कम्युनिटी रिजर्व इस बार पढ़ के चलो। पीपल वेयर एंगेज इन चीता इंट्रोडक्शन, कंट्री में चीता का इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, एंड आई थिंक कि एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट हैव डन देयर टास्क रिगार्डिंग चीता, ए टू जेड पढ़ा होगा कि 1949 या 50 में ये एक्सटिंक्ट हो गया था, इंडियन जर्ड में आता है,
एक नामीबिया से लाया गया, साउथ अफ्रीका से लाया गया, इस नेशनल पार्क में रखा गया। यूपीएससी कभी भी ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं पूछती है, नेवर, जो आम आदमी का बन जाए। हर कोई जान रहा है, जो एक लोकल अखबार पढ़ रहा है वो भी कह रहा है देखो गवर्नमेंट चीता ला रही है, यहाँ आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, ये चीता को खाना खिलाएंगे, चीता को 200 kg मीट डेली सप्लाई करेंगे। यूपीएससी नेवर आस्क। यूपीएससी ने एक बहुत ही फनी क्वेश्चन पूछा स्क्वायरल पे, जो गिरहरी होती है अपनी, आप पार्क में बैठते हैं वो आपसे आके नट मांग के खाती है, ये भी न्यूज में था। लेकिन एक ही दिन के लिए हुआ क्या था कि एक स्क्वायरल ओशियन के थ्रू इंडियन शिप से स्कॉटलैंड पहुंच गया, 3 सप्ताह ट्रेवल करके, 3 वीक ट्रेवल करके एक इंडियन स्क्वायरल स्कॉटलैंड पहुंच गया दिसंबर 2022 में। एंड व्हाई इट वाज सिलेक्टेड बाय यूपीएससी, इट इज बिकॉज आइदर देयर हैबिटेट आर बीइंग लॉस्ट। भाई वो गिलहरी गया कैसे समुद्र के किनारे, ओशियन के किनारे, वो तो पार्क में रहने वाला, जंगल में रहने वाला है, तो वो सैंड में कैसे चला गया? इसका मतलब है कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले जैसे स्पैरो पे क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने, बिकॉज उस टाइम पे एक आर्टिकल चला था कि अब दिल्ली के घरों में स्पैरोज नहीं आती है, बिकॉज प्लांट है ही नहीं किसी के घर में, पेड़ है ही नहीं जहां वो अपना घोंसला बना सके। तो दिस इज नॉट अबाउट स्क्वायरल, दिस इज अबाउट द चेन, कि उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली दिस वॉज वेरी फनी। सो क्वेश्चन बनाया स्क्वायरल पे कि ये कैसे रहती है, कहां अपना खाना रखती है, राइट? ये आपको किसी के मैगजीन में नहीं मिलेगा। आइदर पीपल विल थिंक कि पागल हो गए ये, इस पे थोड़ी ना क्वेश्चन बनेगा। दे आस्क, देन कम टू सेकेंड सोर्स, द इकोनॉमिस्ट। अच्छा, आपको इन सबका दिया जाएगा पीडीएफ, दिया जाएगा ये मटेरियल दिया जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपने पढ़ना है। अगर आप यहां पे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जस्ट मेकिंग यू कंसर्न कि अगर आप खुद से भी कभी पढ़ रहे हो करेंट अफेयर तो फालतू की चीजें मत पढ़ो, द हिंदू काफी है या इंडियन एक्सप्रेस ही काफी है। अगर पढ़ने का मन करे तो इनको पढ़ो, अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि मैं हेरून से सीधा उतार के लाऊंगा कोई भी सोर्स। सोर्स तो मेरा भी रहेगा ना, जो मैं करेंट अफेयर का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा सोर्स तो उसका भी रहेगा ना कुछ। देन हाउ आई विल मेक द डिफरेंस, बिकॉज आप अभी नए हैं यूपीएससी के लिए, आपको मैं मैगजीन दे दूं आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें से क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। द इकोनॉमिस्ट एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसमें सब कुछ होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियो पॉलिटिकल, सब कुछ होता है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी, वहां पे मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। आपको इतना पढ़ना है इतना पढ़ के जाओ, यू विल क्लियर द प्रीलिम्स, कोई नहीं रोकेगा। देन इसका मैं एग्जांपल देता हूं जो कहीं भी नहीं है, देयर इज अ टर्म कार्बन मार्केट। आप द हिंदू उठाओ मिलेगा कार्बन मार्केट, लेकिन उसने ये लाइन कहीं नहीं लिखा है कि कार्बन मार्केट इज टूडे बींग यूज एज अ टूल टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये पूरा लाइन बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए द इकोनॉमिस्ट से उठाया गया। आप बोलेंगे आप ये कैसे कह सकते हो, बिकॉज यूपीएससी का पेपर 28 मई को हुआ है, राइट? और ये जो भी मैं आर्टिकल बता रहा हूं उससे कम से कम 2 महीने पहले का है, पेपर तो मिनिमम 1 मंथ पहले बनेगा ना। इस बार के पेपर में आपको अप्रैल के बाद का कोई करेंट अफेयर नहीं मिलेगा, मार्च तक का विजुअल है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने पहले बना दिया फिर ब्रिटेन में इकोनॉमिस्ट को लगा रहे यूपीएससी पूछ रही है चलो आर्टिकल बनाते हैं इस पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डाउन टू अर्थ यूपीएससी से तो पूछ के उसके क्वेश्चन का तो नहीं आर्टिकल डाल रही है ना। सो गो फॉर द ऑथेंटिसिटी। ये बहुत कम लोगों को पता है, एस्पिरेंट्स को इस बात से फुर्सत ही नहीं है, वो इसे भी पढ़ रहे हैं, वो उसे भी पढ़ रहे हैं, वो उसे भी पढ़ रहे हैं, लास्ट में वो उन्होंने पढ़ा क्या है इट इज नॉट क्लियर। आज मैं कुछ आपको करेंट अफेयर के टॉपिक्स बताऊंगा जो अभी जो महीना बीता है जून, चूंकि पेपर हुआ था मई में, इस बार पेपर हुआ 28 मई को, राइट? देन यू हैव टू थिंक अबाउट 1 ईयर। देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स 2 साल के,
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पिछले 2 साल के, यानी आप 24 में पेपर देने जा रहे हैं तो 22 से लेके 24 जब तक आपका पेपर होगा, 1 महीने पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है यू मस्ट नो, राइट? दैट विल बी करेंट अफेयर फ्रॉम पॉलिटी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन यू विल बी लाइक कि यार ये पॉलिटी से इसने ये पूछ दिया, इसने पूछ दिया एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट बना रहना चाहिए। एक टर्म यूज होता है रिजर्वेशन में, आपको पता होगा आर्टिकल अपना 16(4) है, राइट? 16(4) फंडामेंटल राइट, जहां पे रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर, यही कहता है ना आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट, राइट? जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, जब यूपीएससी की वैकेंसी आएगी तो कोई भी फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएट हो, यही कहता है ना। लेकिन फिर एक बार क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने कि डू यू थिंक कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय वन हैंड एंड टेकन बाय अनदर हैंड, दैट्स राइट। 16 में तो सिंपल लिख दिया कि भाई जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब 16(4) में देखो क्या कह दिया उसने कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी स्टेट को ऐसा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी गवर्नमेंट टर्म यूज नहीं किया जाता, स्टेट टर्म यूज किया जाता है। स्टेट का मतलब म्युनिसिपैलिटी से लेकर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से लेकर के प्रधानमंत्री का ऑफिस तक। तो अगर स्टेट को लगता है कि किसी सेक्शन सोसाइटी का कोई सेक्शन प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तो गवर्नमेंट उसे रिजर्वेशन देगी। तो गवर्नमेंट ने क्लॉज डाल दिया 4। अब इसमें रिजर्वेशन आ गए, सबसे पहले आया एससी एसटी, देन आया ओबीसी, एंड देन अभी एक नया चला गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, अमेंडमेंट नंबर 103, राइट? अब इसमें इस रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज किया एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हैं समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक ही चीज आता है, हमेशा टेक्निकल टर्म पूछेगा, ऐसा टेक्निकल टर्म जिसमें आप उलझ के रह जाएंगे। ये 2 साल पहले का जजमेंट है, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मीकांत में कहीं भी मेंशन नहीं है, पॉलिटी पढ़ता है ना सब लक्ष्मीकांत के लिए, चाहे पढ़ाई कोई भी सोर्स तो वही रहता है अल्टीमेटली, राइट? हर कोई तो पार्लियामेंट का सेक्रेटरी है नहीं कि उसको नॉलेज है, या रिटायर्ड आईएएस तो सेक्रेटरी तो है नहीं कि वो पूरा पार्लियामेंट आपको ऐसे ही बता दे। अगर मैं भी बताऊंगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक नजर तो मैंने लक्ष्मीकांत बिठाता होगा, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज चलेगा कि चलो ये पूछता है ये पूछता है। ये टर्म कहीं नहीं मेंशन है, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंटरप्रेटर है, फाइनल इंटरप्रेटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज ए को बी बता देगी, कल बोलेगी ये नहीं बी नहीं है ये सी है, और पूरे कंट्री को सी मानना पड़ेगा उसे। यही चल रहा है ना आज तक। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट को देख लो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं, बहुत बड़ा इशू है अपॉइंटमेंट ऑफ जज। इंडिया नहीं, वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां जज जज को अपॉइंट करता है, आईएएस आईएएस को अपॉइंट नहीं करता है, यूपीएससी अपॉइंट करती है। पॉलिटिशियंस खुद को अपॉइंट नहीं कर लेते हैं, पब्लिक उनको इलेक्ट करती है। लेकिन अपने कंट्री में जज का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां जज जज को सेलेक्ट करता है, कॉलेजियम सिस्टम यही है ना। अभी बाप है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेटा बनेगा, फिर उसका ग्रैंड बनेगा, एंड सो ऑन चल रहा है। अभी जो अपने, इनफैक्ट जो अपने अभी सीजे आई है, इनके फादर और वो हुआ करते थे कि नहीं कभी। तो दिस डिमांड हैज बीन बीइंग रेज्ड, और अब तो मामला ऐसा हो गया कि अभी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कई बार, और जो किरण रिजिजू है अपना मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, कई बार गुलाम बोला है कि ये बहुत चेंज करने की जरूरत है, और हर हाल में चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कभी बोलती है इसी बात को कि नहीं ये ऐसा है, जैसे उसका देख लो ये कॉलेजियम सिस्टम का, पहले आया कि भाई जब नए जज बहाल किए जाएंगे, नए जज को अपॉइंट किया जाएगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी सलाह ले रहा है, और उसकी सलाह बाइंडिंग होगी। अब तक इसको जज जज ऑर्डर बोलते हैं, 5 जज ऑर्डर आ चुके हैं,
फाइव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं इसमें, मतलब दे आर मूविंग कंफ्यूज, करना क्या है, कभी कुछ भी इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि आज अपन करेंट अफेयर सीखेंगे, पढ़ना क्या और पढ़ा कैसे जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि करेंट अफेयर अगर आप पढ़े तो किससे क्या पढ़े, पॉलिटी पढ़ो तो पिछले दो साल का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पिछले दो साल का, बाकी सब पिछले एक साल का, और चार महीने पहले का बहुत डिटेल में। जैसे मान लो कि नेक्स्ट टाइम मई में पेपर होने वाला है तो मार्च दिसंबर और मार्च बहुत डिटेल में सबका। नेक्स्ट जो सोर्सेस होगा इकोनॉमिस्ट के बाद पीआईबी, आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा कहां क्या है, मैं हूं उसके लिए, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग ए वर्ड कि कभी यूट्यूब देखने का मन करे तो पीआईबी देखा करो, कभी गूगल पे सर्च करने का मन करे तो पीआईबी सर्च किया करो, बिकॉज इट विल एड योर एड मार्क्स फॉर यू। उस पर आप ये मत जाओ कि दृष्टि क्या है, कौन क्या कर रहा है, नेवर नेवर सर्च फॉर देम, ओनली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नॉलेज इज बीइंग गिवन एट पीआईबी। ये तीन आपके बेसिक हूं, द हिंदू पढ़ो, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम जाता है, मत पढ़ो, छोड़ दो, ये तीनों कवर कर देगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि दो घंटा आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम आप अपना बेकार कर रहे हैं, आज से छोड़ दो उसको पढ़ना। आई टू गारंटी कि आपका करेंट अफेयर के कारण प्रीलिम्स नहीं रुकेगा बिना द हिंदू पढ़े हुए। द हिंदू मेनली पढ़ा जाता है मेंस राइटिंग के लिए, एडिटोरियल के लिए, जो इंफॉर्मेशन द हिंदू लेकर के आता है वो और भी अवेलेबल होता है कहीं भी, राइट?